तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को कैलकुलेटर के अंदर छुपा सकते हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे हम कैलकुलेटर के अंदर भला इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को कैसे छुपा सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, जो कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है इसका असली नाम ऐप साइडर है। अगर आप इसके अंदर अपने इंस्टाग्राम या किसी भी एप्लीकेशन को छुपाते हैं तो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि आपने कैलकुलेटर के अंदर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग कैलकुलेटर का सिंपल यूज़ में ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में किसी को पता नहीं लगेगा। तो आप किस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज़ करके इंस्टाग्राम को इसके अंदर हाइड कर सकते हैं वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे कैलकुलेटर ऐप साइडर, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। नीचे की तरफ जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐप साइडर ये एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करनी है। इसका आप आइकन अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये 8 से 10 MB की एप्लीकेशन है। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर वेलकम टू ऐप साइडर, यहाँ पर एग्री पर आपको क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इसकी कुछ परमिशन है, उनको अलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह की थीम आपके सामने ओपन हो जाएगी। प्लस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके मोबाइल की सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। अब ऊपर की तरफ आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से सेटअप पिन नाउ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी 6 डिजिट का पिन क्रिएट कर दीजिए, बना दीजिए। तो मैंने आप बना दिया है और मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक कैलकुलेटर हमारे सामने ओपन हो जाएगा, आप इसका सिंपल कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप पिन डालेंगे जो हमने अभी बनाया था, तो ये वाली थीम आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सेटिंग में आपको दोस्तों मैं कुछ बता देता हूँ। यहाँ से रीसेट पिन कर सकते हैं अगर आप इसका पिन भूल जाते हैं। आप इस एप्लीकेशन का आइकन चेंज कर सकते हैं, जौन सा आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें और भी फीचर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं दोबारा से पिन लगा देता हूँ। यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। तो ये करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप फोटो या वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसमें इंस्टाग्राम हाइड कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है इंस्टाग्राम पर और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, यानी कि इम्पोर्ट पर, सॉरी। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ऐड आएगा आपके सामने, ऐड को आप जो है स्किप कर दीजिएगा। ऐड को स्किप करने के बाद यहाँ से आपका जो है इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। अब आपको एप्लीकेशन बैक करके इंस्टाग्राम को जो है अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऐप्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मेरे फ़ोन से जो है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी। अभी आप देखिएगा इसका आइकन गायब हो जाएगा, तो ऐप इंस्टाग्राम डिलीट हो चुका है मेरे मोबाइल से। और जब भी मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना होगा तो मैं यहाँ पर पिन डालूँगा एप्लीकेशन को ओपन करके, और यहाँ से सिंपली मैं एक बार इंस्टाग्राम पर आपको क्लिक करना है और लॉन्च डुअल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम की दोबारा से इंस्टॉलिंग हो रही है। ये होने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे सामने आएगा, तो टू ग्रांट पर आपको क्लिक कर देना है और अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। और सिंपल यहाँ हमारा जो है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक ऐड आने के बाद इसको मैं ऐड को स्किप कर देता हूँ। तो अब देखिएगा दोस्तों, हमारी जो है इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और इसमें आप अपना अकाउंट डाल के सिंपली यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन इस कैलकुलेटर की एप्लीकेशन के अंदर छुपा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।